सो हेलो गाइस, तो वीडियो की शुरुआत में जो थोड़ी बहुत गलती हुई है, या तो मैं उसे कट कर दूंगा, अगर वो कट नहीं है तो आई एम वेरी सॉरी गाइस। तो आज हम खेलने जा रहे हैं क्लास को ड्रैंक्ड। तो आप देख सकते हैं हमारा मैच लगा हुआ है। तो गाइस नो गाइस, सो गाइस मैं इधर ही थोड़ी देर कवर लेके आपसे कुछ बोलना चाहूँगा। सो गाइस, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैंने आपको दो बहुत बड़ी खुशखबरियाँ देनी है। पहली ये है कि गाइस मैं जो हूँ गोल्ड रैंक को क्लेम करने में सक्सेसफुल हो चुका हूँ। पहले मैं ब्रॉन्ज में था जब मैं शुरुआत में आपसे मिला था, लेकिन इस बार मैं गोल्ड में हूँ गाइस, और मेरे को एक और बंडल मिल चुका है। सो गाइस राउंड टू तैयार हो गया है, मतलब लग पड़ा है, और हम लेंगे वेक्टर, क्योंकि हमने कोई किल नहीं किया था, बट हमारे पास एक किलनी का भी बचा हुआ है जिसे हम यूज़ करेंगे। लेकिन हम अपनी स्ट्रैटेजी बताएंगे, हम पीछे से होके जाएंगे। सो गाइस सबसे ज़्यादा किल इसके हैं जो कि 3 हैं, तभी इसके पास एक शॉट गन है। अगर गाइस आप लोग क्लैश ऑफ क्लैंस यानी COC खेलते हैं तो प्लीज़ कमेंट में लिखिएगा, क्योंकि अगली वीडियो उसकी ही होगी, जिसमें मैंने थोड़े 2-3 दिन पहले ही उसे डाउनलोड किया था। लेकिन मेरे टाउन हॉल का लेवल 5 हो चुका है, उसे जल्द ही मैं 6 करूँगा। लेकिन उसके लिए मुझे आपके कमेंट्स पढ़ने हैं गाइस, कि आप लोगों को COC खेलनी है या फिर मतलब COC की वीडियोज़ देखनी है या फिर नहीं गाइस, प्लीज़ कमेंट में जरूर लिखिएगा। नेक्स्ट गेम प्ले ऑफ COC। तो देखिए गाइस, मैंने एक बंदे को रिवाइव दिया और एक को किल दिया, लेकिन जिस बंदे को मैंने रिवाइव दिया था उसने मुझे ही रिवाइव नहीं दिया। सो गाइस ये होता है फ्री फायर में। लेकिन गाइस हमें कभी भी किसी बंदे को ऐसे चीट की रिपोर्ट नहीं देनी चाहिए, क्योंकि इससे उसकी आईडी तो बैन होगी ही, लेकिन आपकी आईडी भी बैन हो सकती है और आपका फ़ोन भी ख़राब हो सकता है गाइस। सो प्लीज़ अगर वो कोई हैकर है तभी उसे चीट की रिपोर्ट दीजिए, ऐसे मत दीजिए, ये आपके ही भले की बात है। गाइस ये वाला मैच हम हार चुके हैं। सो गाइस इस बार हमें थॉमसन मिली है, हमारा किल अभी भी 1 ही है। अभी मैं आपको बताता हूँ, मैंने थोड़ी बहुत फन टाइप की प्रैक्टिस की है। बट वन टैप देने के लिए हमें ऐसे ऐसे ऊपर रखना होता है अपने पॉइंट को, यानी अपने टारगेट जहाँ पे लगता है वो उसको। लेकिन गाइस हम तो ऐसे ही खेलते हैं तो हमें आदत भी इसकी पड़ी है, लेकिन हम लोग फिर से अपनी उसी स्ट्रैटेजी का इस्तेमाल करके पीछे से होकर जाएंगे, अपनी थॉमसन से सभी बंदों को ढेर करेंगे। सो गाइस ढेर करने से पहले ऐसा ना हो मैं ही ढेर हो जाऊं, इसलिए मैं पहले पूरा फ्यूल ले ले के आगे चलता हूँ। सो गाइस मुझे एक बंदा दिख गया है और वो कैंपिंग कर रहा था, अब हम उसे पीछे से जाके हेलो बोल कहते हैं। गाइस मेरे हेलो बोलने से पहले ही वो मुझसे नाराज़ होके यहाँ से चला गया। बट हम एक बार अंदर भी चेक करके आ जाते हैं कि कोई अंदर है या फिर नहीं। सो गाइस हमारा लक इधर काम कर गया, अंदर एक बंदा था।
गाइस जल्दी से इसकी गन लेके आ जाते हैं। गाइस मेरी फेवरेट गन मुझे मिल गई है। गाइस अभी हमने एक स्नाइपर ली है क्योंकि अभी मैं थोड़ी स्नाइपिंग करने वाला हूँ, लेकिन साथ ही साथ मैंने एक वुडपैक्स जो हमें उसकी लूट से मिली थी वो भी मैंने ले रखी है, और एक रूल भी ताकि हमारी कुछ प्रोटेक्शन भी हो जाए जब हम स्नाइपिंग कर रहे होंगे और हमें कोई बंदा मारने की ट्राई करेगा। सो लेट्स गाइस, लेट्स गो गाइस, मुझे एक बंदा दिख गया है और आई विल ट्राई टू गिव हिम ए हेड शॉट। तो एक बंदा तो मैंने नॉक कर दिया और एक और आ रहा है और ये तो मेरे हाथ से निकल गया, बट वो जो एक है वो कहीं ठीक ना हो जाए। सो गाइस दूसरे बंदे को भी मैंने ही किल दिया और मेरे 4 किल हो चुके हैं। सो गाइस एक बंदा मुझे यहाँ पे स्पॉट हुआ है, लेकिन वो इतना डरपोक है कि वो बाहर नहीं निकल रहा, और मैंने उसे एक स्नाइपर तो बजा दी और वो यहाँ से भागने में कामयाब हो गया है सेफली, बट एक और बंदा स्पॉटेड है और ये तो गया। लेकिन जो आगे एक और बंदा आ गया है उसे भी हमें किल देना पड़ेगा। लेकिन गाइस ये मुझे लग रहा है कोई बंदा अंदर या फिर पीछे है। सो गाइस आई एम राइट, कोई बंदा पीछे है और उसे मारने के लिए मैंने अपनी वुडपैक्स बाहर कर ली है, लेकिन यहाँ से जाना डेंजरस होगा और एक और बंदा अंदर आ चुका है और ये एक हेडशॉट के साथ बात ख़त्म कर दी मैंने। सो गाइस हमारी पूजा हो चुकी है। या सो गाइस मैं गोल्ड 2 में 4 स्टार्स लेने में कंप्लीट हो गया हूँ। उसके अगले गेम में जो होगा मेरे पास गोल्ड 3 ज़रूर आ जाएगा, यानी रैंक में मैं गोल्ड 3 हो जाऊँगा। सो गाइस आई एम द मैन ऑफ द मैच। सो गाइस किसी ने मुझे लाइक भी दे दिया। सो गाइस अगले फ्री फायर के ब्लॉग मतलब वीडियो में हम लोग जो होंगे मेरे एक फ्रेंड के साथ होंगे जिसका नाम है लुकमन। तो गाइस अगले फ्री फायर के ब्लॉग में हम मिलते हैं। तो आज के ब्लॉग में सिर्फ इतना ही, तो ठीक है फिर, बाय गाइस।